भारत के लिए कल का दिन एक दुखद हादसा लेकर आया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का सैन्य हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर के पास क्रैश हो गया। इसमें जनरल रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई। भारतीय वायुसेना की ओर से जानकारी दी गई है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। जनरल बिपिन रावत के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बड़े राजनेताओं समेत पूरे भारत ने दुख जताया है। वहीं पाकिस्तान ने भी जनरल बिपिन रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम राजा और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई दुखद मौतों पर शोक जताया। पाकिस्तान सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत को ले जा रहा भारतीय वायुसेना का दुर्घटनाग्रस्त हुआ Mi-17V5 हेलीकॉप्टर एक उन्नत सैन्य परिवहन हेलीकॉप्टर है, जो कि साल 2012 से वायुसेना के बेड़े में शामिल है। जैसे ये खबर आई कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है, भारत समेत दूसरे मुल्कों में भी शोक की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान की जनता ने भी इस घटना पर दुख जताया। ट्विटर यूजर सलमान खान ने लिखा, हम कभी भी अपने दुश्मन की मौत पर जश्न नहीं मनाते जब तक कि वो मौत हमारे खिलाफ युद्ध के मैदान पर न हुई हो। परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। रहमान वली एहसास लिखते हैं, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों के असमय निधन से दुखी और स्तब्ध हूं। उनके प्रति संवेदना जाहिर करता हूं। ओमार नवाज लिखते हैं, सीडीएस बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों की मौत की खबर से दुखी हूं। अल्लाह पीड़ित परिवार को एक दुख सहने की ताकत दे। पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार ने भी लिखा, जनरल रावत और उनकी पत्नी के बच्चों और परिवारों के प्रति संवेदना और इस हादसे में मरने वाले अन्य मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना। हालांकि पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक वर्ग ऐसा भी था जो इस मौके पर पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर को लेकर भारतीय नीति की आलोचना कर रहा था, और इस मौके पर कुछ पाकिस्तानी लोगों ने ही ऐसे ट्विटर यूजर्स की आलोचना भी की जिन्होंने जनरल रावत के प्रति नफरत भरे ट्वीट किए थे। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, हर ओर से शोक संदेश आ रहे हैं। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।